और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ग्राउंड रियलिटी। आप देख रहे हैं, रुक कर लेते हैं इस वक्त की एक और अहम बड़ी खबर का जो ओडिशा से सामने आ रही है। जी हाँ, ओडिशा में आपको बता दें, आर्मी ऑफिसर असॉल्ट मामले में 5 पुलिसकर्मी जो थे उन्हें सस्पेंड किया गया है। तो ओडिशा पुलिस ने भुवनेश्वर के एक थाने में सेना के एक अधिकारी से कथित तौर पर मारपीट और उसकी जो महिला मित्र थी उनसे छेड़छाड़ के मामले में 5 पुलिसकर्मियों को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। ये बड़ा आउटरेज होने के बाद आपको बता दें कि पूरे राष्ट्रव्यापी आउटरेज हुआ था, विरोध किया गया था, जिसके बाद ये बड़ी तब्दीलियां सामने आई हैं। ओडिशा पुलिस द्वारा 5 जो पुलिसकर्मी उन्हें सस्पेंड किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो पुलिस हेडक्वार्टर है उसके सामने विरोध प्रदर्शन भी किया गया और साथ ही साथ आपको बता दें कि किस तरीके से ये छेड़खानी का पूरा मामला था। कथित तौर पर मारपीट की गई थी, सेना के एक अधिकारी से कथित तौर पर मारपीट और उसकी जो महिला मित्र उस समय साथ थी उनके साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की जो पूरी घटना है वो सामने आई थी। इस पूरे मामले में आपको बता दें 5 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है, उन्हें सस्पेंड किया गया है।